गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ ग्रामर दैट वेर द यूज ऑफ V1, V2 एंड V3। इन अवर टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लिटरेचर पार्ट ऑफ इंग्लिश। बट बिफोर स्टार्टिंग अवर टूडेज टॉपिक, लेट अस रिसाइट द श्लोका ऑफ द मंथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात्महे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे शंतु आकश्चित् दुःखात्महे। सेकेंड चैप्टर फ्रॉम लर्न वेल इन द ऑर्चर्ड। अभी आपको पता है ऑर्चर्ड का मीनिंग क्या होता है। ऑर्चर्ड यानी कि वो प्लेस जहाँ पे फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ द चैप्टर। पेज नंबर 13। एप्पल्स एंड अदर फ्रूट्स ग्रो ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज। फार्मर्स ग्रो दिस प्लांट्स एंड ट्रीज इन द ऑर्चर्ड। An orchard is an area of land used for growing fruit trees. देखिए, apple और बाकी के जो fruits होते हैं वो कहाँ पे उगते हैं? कोई कोई fruits plants पे उगते हैं तो कोई कोई trees पे। अभी जैसे कि watermelon भी एक fruit है, पर उसे हम tree पे नहीं उगा सकते, उसका tree नहीं होता है watermelon का। अभी आप सोचो कि अगर watermelon का tree होता तो उसके नीचे अगर कोई इंसान खड़ा रहे और watermelon उसके सिर पे गिर जाए तो उस इंसान का क्या होगा, वो तो आप सोच ही सकते हो। इसीलिए वाटरमेलन का ट्री नहीं होता है। वैसे ही एप्पल है तो एप्पल का ट्री होता है। जैसे कि जो बड़े बड़े वाटरमेलन जैसे बड़े बड़े फ्रूट्स होते हैं उनके स्मॉल स्मॉल क्रीपर्स होते हैं, छोटे से प्लांट होते हैं, बड़े बड़े नहीं होते हैं। मैंगो है तो मैंगो का बहुत बड़ा ट्री होता है। और ये उगाता कौन है? फार्मर्स, किसान। किसान खेती करते हैं, राइट? तो खेत में क्या उगता है? वीट, राइस, गेहूं, चावल, वो सब खेती में उगते हैं। देयर इज सीरियल्स एंड पल्सेस। पर ये जो फ्रूट्स हैं उनकी जो उनका जो एरिया होता है फ्रूट्स का, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड यानी कि वो जगह जहाँ पे ओनली एंड ओनली फ्रूट्स होते हैं और वो ग्रो कौन करता है? फार्मर्स। ओके, नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे एक पोयम दी हुई है, सबसे पहले हम वो रीड करेंगे और फिर समझेंगे। रीड एंड एंजॉय। डाउन इन द ऑर्चर्ड इट्स हार्वेस्ट टाइम, अप द टॉल लैडर्स द फ्रूट पिकर्स क्लाइंब। डाउन इन द ऑर्चर्ड यानी कि ऑर्चर्ड में अभी कौन सा टाइम चल रहा है? हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग यानी कि जब फ्रूट पूरा ग्रो कर लेता है, उसके बाद जब हम फ्रूट को तोड़ के कलेक्ट करते हैं उसे हार्वेस्टिंग टाइम बोलते हैं। लेडर्स यानी कि सीढ़ियाँ, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ रखनी पड़ती हैं फ्रूट को तोड़ने के लिए। ओके, अमंग द ग्रीन ब्रांचेस दैट्स वे ओवर हेड एप्पल्स आर हैंगिंग ऑल रोजी एंड रेड। वहाँ पे जो ग्रीन ब्रांचेस हैं जो हमारे सिर के ऊपर हैं, उन ग्रीन ब्रांचेस में क्या लटका हुआ है? एप्पल। और वो एप्पल का कलर कैसा है? रेड एंड रोजी। जस्ट राइप फॉर पिकिंग और जूसी एंड स्वीट, प्रिटी टू लुक एट एंड टेस्टी टू इट। ये जो एप्पल हैं वो रेडी हैं, मतलब ग्रो कर चुके हैं ऑलरेडी, हमें सिर्फ तोड़ना है और यूज़ करना है। और वो बहुत ही जूसी हैं, स्वीट हैं और देखने में तो बहुत ही मस्त हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू ग्रो फ्रूट ट्रीज।
to pluck their ripe fruits and to eat them. But do you know, it is only a seed case that you eat, not the whole fruit. देखो, फ्रूट्स का प्लांट अगर ग्रो करना है तो हमें बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि अगर हमारे ही आंगन में फ्रूट का ट्री हो तो हम कभी भी वो फ्रूट तोड़ के खा सकते हैं, राइट? प्लक यानी के तोड़ना, PL PL UC के अक। किसी भी वर्ड को अगर हमें रीड करना है और उसका प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं पता है तो उस वर्ड के हम टुकड़े कर देंगे, तो क्या हम उस वर्ड को आराम से रीड कर सकें? जैसे कि PL PL UC के अक प्ल अक प्लक। बट डू यू नो इट इज़ ओनली अ सीड केस। अभी ये जो फ्रूट होते हैं वो रॉ होते हैं और राइप होते हैं। रॉ यानी के कच्चा एंड राइप यानी के पूरी तरीके से पक चुका होता है, उसे हम राइप कहते हैं। पर ये हम जो फ्रूट खाते हैं वो फ्रूट होता है कि सीड होता है कि क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आर फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या होते हैं? टू मोस्ट ऑफ अस फ्रूट्स आर जूसी फूड्स दैट ग्रो on certain plants and trees. But to a scientist who studies plant, fruits are the seed case of certain flowering plants. It is a case that we eat, not the seed. हमें क्या लगता है फ्रूट क्या होता है? एक जूसी फ्रूट होता है जिसे हम खाते हैं, जो प्लांट्स या ट्रीज में उगता है। बट साइंटिस्ट ने जब फाइंड किया, रिसर्च किया, तो फ्रूट जो होता है वो एक सीड केस होता है। सीड केस यानी कि जो सीड होता है अंदर का, उसे जो प्रोटेक्ट करता है उसे सीड केस कहते हैं। ऑफ अ सर्टेन फ्लावरिंग प्लांट यानी किसी प्लांट का जो सीड होता है उसे जो केस प्रोटेक्ट करता है उसे हम फ्रूट कहते हैं। हम फ्रूट का जो ऊपर का केस होता है ना वो खाते हैं, अंदर के सीड्स नहीं खाते हैं। ओके, सीड को प्रोटेक्ट करने वाला ऊपर का जो फ्रूट केस होता है उसे खाते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15, द एप्पल्स, oranges, pears and mangoes that we eat are all seed cases. Apples के अंदर ब्लैक कलर का सीड होता है, फिर जो मैंगो होता है उसके अंदर भी सीड होता है, वो तो बहुत बड़ा होता है, एप्पल के अंदर तो बहुत छोटा होता है। तो वो सीड को जो ऊपर का प्लम होता है, जो ऊपर का केस होता है जिसे जो वो सीड को प्रोटेक्ट करता है, हम लोग वो खाते हैं, वो बहुत ही जूसी होता है। दिस केसेस प्रोटेक्ट द सीड दैट आर इनसाइड देम। सीड कहाँ पे होते हैं? फ्रूट के अंदर, और ये जो केस होता है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है। व्हेन द सीड्स हैव ग्रोन फुल्ली वी ईट द केस एंड यूज द सीड टू ग्रो मोर ट्रीज। जब ये जो सीड होता है वो पूरी तरीके से ग्रो कर चुका होता है, यानी कि मतलब पूरा फ्रूट रेडी होता है, तब हम क्या करते हैं? ऊपर का जो केस होता है वो खाते हैं और अंदर का जो फ्रूट का जो सीड है उसे हम वापस से दूसरा फ्रूट का प्लांट ग्रो करने में हेल्प करते हैं, यूज करते हैं। द सीड्स एंड द केसेस डेवलप फ्रॉम द फ्लावर्स वी कॉल ब्लॉसम। ये जो सीड पूरा रेडी हो जाता है यानी कि पूरा ग्रो कर लेता है एक एप्पल, तो उसे हम जो खाते हैं उसे हम ब्लॉसम कहते हैं, जो पूरा एप्पल रेडी हो चुका है खाने के लिए। अंदर का जो सीड है वो ग्रो कर चुका है यानी कि पूरा फ्रूट रेडी है, अभी हमें उसे खाना है, और वापस से जो सीड अंदर बचता है उसे हम यूज करेंगे दूसरा प्लांट ग्रो करने में। वॉच अ फ्रूट ट्री इन अ स्प्रिंग सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी लिटिल ब्लॉसम्स अपीयरिंग ऑन इट्स ब्रांचेस, देन आफ्टर अ फ्यू डेज अ स्मॉल ग्रीन फ्रूट बिगिन्स टू ग्रो फ्रॉम ईच ब्लॉसम्स। It grows larger and larger until it is ripe. Then we pick this fruit and eat it with great relish. देखिए, ये जो ट्री होते हैं उसके ऊपर एक पहले छोटा सा एक ब्रांच होता है, छोटा सा, उसके बाद धीरे धीरे उसमें से फ्लावर जैसा अंदर से सीड निकलता है और उसके बाद वो बन जाता है पूरा फ्रूट। अभी ये जो फ्रूट होता है वो बड़ा बन जाए, मतलब पूरा अगर एप्पल है तो पूरा रेड हो जाए ना, यानी ये समझना है कि फ्रूट ग्रो हो चुका है। सभी फ्रूट्स के अलग अलग कलर्स होते हैं और उस कलर को देख के हमें पता चल जाता है कि ये फ्रूट ग्रो हो चुका है। जैसे कि कौन सा फ्रूट, मैंगो, मैंगो है तो आप कैसे समझ जाते हो कि ये तो अभी थोड़ा ग्रीन है, मतलब ये अभी कच्चा है, इट्स रॉ। पर अगर ये पूरा येल्लो हो जाए या स्लाइट ऑरेंज या फिर रेड थोड़ा हो जाए, यानी कि ये ग्रो कर चुका है, मतलब अभी इसे हम खा सकते हैं।
जो कच्चे फ्रूट होते हैं वो थोड़े खट्टे होते हैं, और जो पूरी तरह से ग्रो कर चुके होते हैं वो हमें टेस्ट में भी अच्छे लगते हैं, स्वीट होते हैं। और हम ये जो राइप वर्ड है, राइप यानी कि पूरी तरीके से जो फ्रूट ग्रो हो चुका है, और रॉ यानी कि कच्चा। देखिए, समटाइम्स फार्मर्स पिक द फ्रूट एंड सेंड इट टू द मार्केट व्हाइल इट इज स्टिल ग्रीन। ये जो फ्रूट होता है उसे फार्मर्स क्या करते हैं, कभी कभी थोड़ा ग्रीन होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ग्रीन होता है, तो फार्मर्स समझ जाते हैं कि भाई अभी ये पक जाएगा थोड़े दिनों में, तो वो क्या करते हैं, वो पकने से पहले उस फ्रूट को तोड़ लेते हैं और उसके बाद उसको पैक करके मार्केट भिजवा देते हैं बेचने के लिए। तो वो जो ट्रिप होती है ना कि ऑर्चर्ड से मार्केट तक जब वो फ्रूट पहुंचता है तब वो पूरी तरीके से ग्रो कर जाता है, यानी कि पूरी तरीके से रेड हो जाता है, जो ग्रीनिश पार्ट है वो चला जाता है, फ्रूट पक जाता है, उसके बाद हम परचेस करके खा सकते हैं। द ग्रीन फ्रूट राइपन्स ड्यूरिंग इट्स ट्रिप टू द मार्केट। जब वो फ्रूट ऑर्चर्ड से मार्केट तक पहुंचता है तब वो पूरी तरीके से ग्रो कर जाता है। अभी फ्रूट कैसे ग्रो करता है, क्या होता है, वो तो हमने समझ लिया, पर जब हम फ्रूट खाते हैं तो हमें बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं। हमें हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि जंक फूड से अच्छा तो फ्रूट है, आप फ्रूट खाओ। तो फ्रूट खाने से हमें क्या क्या मिलता है। फ्रूट्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। दे गिव्स अस मिनरल्स शुगर्स सॉरी मिनरल्स शुगर एंड विटामिन्स। फ्रूट से हमें क्या मिलता है, मिनरल्स शुगर एंड विटामिन्स। द स्किन सीड एंड वाटर ऑफ द फ्रूट हेल्प अवर डाइजेशन। स्किन यानी कि फ्रूट की जो स्किन होती है उसे हमें क्या हेल्प मिलती है, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट अवर फूड वेरी फास्ट। अंदर का जो वाटर होता है यानी कि स्वीट स्वीट पानी जो फ्रूट में से निकलता है वो भी बहुत हेल्प करता है डाइजेशन के लिए। अवर बॉडी नीड्स प्रोटीन्स फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन्स मिनरल्स एंड वाटर फॉर अ हेल्दी ग्रोथ। हमारी बॉडी को प्रोटीन्स फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन्स मिनरल्स एंड वाटर इन सब की बहुत ही ज़रूरत होती है। अभी देखिए यहाँ पे जो इतने सारे वर्ड्स दिए हुए हैं वो आई होप आप सबको रीड करना आता ही होगा, बट फिर भी एक बार हम समझ लेते हैं कि इन वर्ड्स को हम कैसे रीड करेंगे। पी आर ओ प्रो टी ई टी आई एन इन प्रोटीन और पीछे एस लगा दिया तो प्रोटीन्स। फैट्स फैट्स तो बहुत ईजी है। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट्स सी ए आर कार बी ओ बो एच वाई हाई डी आर ड्र ए टी ई एट कार्बोहाइड्रेट। इस वर्ड को हमने कट कर दिया तो कितना आसान हो गया ना रीड करने में। कार्बोहाइड्रेट सी ए आर कार बी ओ बो एच वाई हाई डी आर ड्र ए टी ई एट कार्बोहाइड्रेट और पीछे हमने एस लगा दिया तो कार्बोहाइड्रेट्स। विटामिन्स मिनरल्स ये दोनों तो बहुत ईजी हैं एंड वाटर ये सब हमें किस चीज़ में काम आते हैं, ये सब हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं फ्रूट्स में से। सीरियल्स सच एज वीट राइस मेज गिव अस कार्बोहाइड्रेट्स। सीरियल्स में से हमें क्या मिल सीरियल्स जो होते हैं जैसे कि वीट वीट यानी कि गेहूँ राइस यानी कि चावल मेज उन सब में से हमें क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क मीट एंड फिश गिव्स अस प्रोटीन्स फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फिर मिल्क तो आप रोज़ पीते ही हो, मीट एंड फिश वो दोनों नॉन वेजिटेरियन डिश है, कोई कोई लोग यूज़ खाते भी हैं और कोई कोई लोग नहीं खाते, बट इट्स ओके ओके। ये सब इन सब में से हमें क्या मिलता है प्रोटीन्स फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। फॉर अ हेल्दी बॉडी वी शुड इंक्लूड ईच ऑफ दिस इन आवर फूड। एक हेल्दी बॉडी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। कभी कभी कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे जो नेल्स होते हैं ना उसमें वाइट वाइट डॉट्स हो जाते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी है, तो वो हम कमी कैसे पूरी करेंगे, बाय ईटिंग अ बनाना। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है ऑर्चर्ड वाला। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एंड इट्स वेरी इजी क्योंकि चैप्टर तो आपको समझ में आ गया है। फर्स्ट वन रीड एंड फाइंड कंप्लीट ईच सेंटेंस विद अ सूटेबल वर्ड।
अभी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वी हैव टू यूज अ सूटेबल वर्ड. फर्स्ट वन, फ्रूट्स ग्रो ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज. फ्रूट्स कहाँ पे उगते हैं? प्लांट्स पे और ट्रीज पर. फार्मर्स ग्रो फ्रूट ट्रीज इन देयर. अभी ये जो फ्रूट का जो ट्री या प्लांट्स होते हैं वो जहाँ पे ग्रो करते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं हम? ऑर्चर्ड. एन एरिया ऑफ लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग डैश इज कॉल्ड एन ऑर्चर्ड. अभी ऑर्चर्ड में क्या होता है? फ्रूट के ट्रीज होते हैं. सो यहाँ पे आंसर आएगा फ्रूट ट्रीज. फोर्थ वन, वी प्लक फ्रूट्स व्हेन दे आर राइप. राइप यानी कि पूरी तरीके से जब पक जाता है फ्रूट तब हम उसे बोलते हैं कि ये फ्रूट राइप हो चुका है. तो यहाँ पे आएगा राइप. फिफ्थ वन, वी ईट ओनली द सीड केस नॉट द होल फ्रूट. हम फ्रूट के ऊपर का जो केस होता है, सीड को जो कवर करता है, वो ही सिर्फ खाते हैं, अंदर का सीड नहीं खाते. नेक्स्ट वन, वी यूज फ्रूट सीड्स टू ग्रो मोर फ्रूट्स. फ्रूट के जो सीड्स होते हैं वो यूज करते हैं दूसरे फ्रूट्स उगाने के लिए, दूसरा ट्री उगाने के लिए. उसके बाद सेवेंथ वन, फर्स्ट ऑफ ऑल डैश अपीयर्स ऑन अ फ्रूट ट्री. ब्लॉसम्स यानी कि छोटे छोटे पहले पत्तियाँ निकलती हैं, उसके बाद थोड़ा सा फ्लावर निकलता है, उसके बाद फ्रूट निकलता है, उसे हम बोलते हैं ब्लॉसम. वी गेट शुगर मिनरल्स एंड विटामिन्स फ्रॉम फ्रूट्स. विटामिन्स भी बोल सकते हैं, वाइटामिन्स भी बोल सकते हैं, बट वाइटामिन्स इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. ओके, आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली. नाउ वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली, मीन्स इन डिटेल. व्हाट डू वी ग्रो इन एन ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड में हम क्या ग्रो करते हैं? वी ग्रो फ्रूट्स इन अ ऑर्चर्ड. उसके बाद व्हाट पार्ट ऑफ अ फ्रूट डू वी ईट. फ्रूट का हम कौन सा पार्ट ईट करते हैं? अभी ये वाली जो सब एक्सरसाइज है ना, ऊपर की जो फिलअप्स थी वो सब आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर लेनी है, पर जो नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वो क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी नोटबुक में लिखने रहेंगे. व्हाट पार्ट ऑफ अ फ्रूट डू वी ईट. फ्रूट का हम कौन सा पार्ट ईट करते हैं? वी ईट द सीड केस ऑफ द फ्रूट. फ्रूट का जो सीड केस होता है वो हम खाते हैं. व्हाट ग्रोज फ्रॉम ब्लॉसम. ब्लॉसम में से क्या ग्रो करता है? ग्रीन फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम ब्लॉसम. व्हेन डू वी पिक फ्रूट्स टू ईट. हम फ्रूट्स कब खाते हैं? जब वो पूरी तरीके से पक जाते हो. वी पिक फ्रूट्स टू ईट व्हेन दे आर राइप. फिफ्थ वन, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द फ्रूट्स. फ्रूट्स में से हमें क्या मिलता है? मिनरल्स, शुगर एंड वाइटामिन्स फ्रॉम द फ्रूट्स. हमें फ्रूट में से वी गेट मिनरल्स, शुगर एंड वाइटामिन्स फ्रॉम फ्रूट्स. सिक्स्थ वन, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स. सीरियल्स में से हमें क्या मिलता है? वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फ्रॉम सीरियल्स. उसके बाद सेवेंथ वन, नेम द फूड्स दैट गिव्स अस. अब यहाँ पे हमें वो फूड प्रोडक्ट्स के नाम लिखने हैं जिसमें से हमें ये सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हों. प्रोटीन्स हमें किस में से मिलता है? तो मिल्क एंड एलमंड्स. एलमंड्स यानी कि बादाम. उसके बाद वाइटामिन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? तो कैरेट्स यानी कि गाजर एंड ऑरेंजेस यानी कि ऑरेंज. उसके बाद मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? दैट इज ब्रेड एंड फिश. एंड कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं बीन्स एंड पोटैटोज में से. ओके, ये वाली एक्सरसाइज सेवेंथ नंबर का जो आंसर है वो आप टेक्स्ट बुक में ही लिख लीजिएगा. नेक्स्ट वन, नाउ ड्रॉ अ पिक्चर टू शो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. अभी नेक्स्ट क्या होता है वो हमें कैसे करना है? देखिए यहाँ पे ये ब्लॉसम है. ब्लॉसम यानी कि यहाँ पे देखो फ्लावर जैसा बना हुआ है. अब इस फ्लावर में से क्या होगा पता है? पूरा फ्रूट बन जाएगा फ्लावर में से. तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एक बड़ा सा फ्रूट. ओके, उसके बाद बड़ा सा फ्रूट भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम ट्री भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन है, अभी ट्री ग्रो हो चुका है. ट्री हो जाने के बाद हम क्या करेंगे? ये सारे फ्रूट्स बन चुके हैं, राइप हो चुके हैं. नाउ इट्स टाइम कि हम ये फ्रूट्स को तोड़ें, कलेक्ट करें और फिर मार्केट भिजवा दें. तो हम क्या करेंगे? फ्रूट्स को तोड़ के एक बड़ी सी बकेट में या बड़ी सी बास्केट में डाल देंगे. ओके, उसके बाद ये जो बास्केट में हमने फ्रूट्स डाले हैं उसके बाद हम
मार्केट भेज देंगे, फिर मार्केट में से मम्मा खरीद के आएगी और फिर हम इस फ्रूट को कट करके खा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये आप टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर लीजिएगा। डन, आपको ड्रॉ करना है अपने हिसाब से ड्रॉ कर लीजिएगा, और आपको कलर करना है तो आप कलर भी कर सकते हो, दोनों पिक्चर्स में से जो आपने ड्रॉ की है उसमें भी कलर कीजिएगा, और यहाँ पे जो ड्रॉ की हुई है ऑलरेडी बुक में उसमें भी कलर कर लीजिएगा। ये काम तो आप सबको बहुत ही पसंद है, आई नो। ओके, नेक्स्ट वन, नाउ मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या करना है, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, हमें मीनिंग्स के साथ वर्ड को मैच करना है। सबसे पहले स्वे, स्वे यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, दैट इज कॉल्ड स्वे। तो इसका क्या आंसर आएगा, टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जब हमें मूव करना होता है तभी उसे हम बोलते हैं स्वे। उसके बाद सेकेंड वन है सीरियल्स। सीरियल्स मीन्स ग्रेन्स दैट कैन बी यूज टू मेक ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए जो ग्रेन्स का यूज होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सीरियल्स। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज हार्वेस्ट। हार्वेस्ट यानी कि वो टाइम जब हम फ्रूट को ट्री में से तोड़ते हैं, फ्रूट को कलेक्ट करते हैं मार्केट भेजने के लिए, टू कट एंड गैदर अ क्रॉप। फोर्थ वन इज प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट यानी कि किसी को बचाना, किसी को प्रोटेक्ट करना। हमारे पेरेंट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर है टू सेव फ्रॉम हार्म और डेंजर। हमारे पेरेंट्स हमें बचाते हैं ना सब चीज़ों से। उसके बाद है ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड यानी कि एन एरिया फॉर ग्रोइंग फ्रूट ट्रीज। फ्रूट ट्रीज ग्रो करने के लिए जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्चर्ड। उसके बाद सिक्स्थ वन ब्लॉसम। ब्लॉसम अ फ्लावर ऑन अ फ्रूट ट्री। फ्रूट ट्री के ऊपर जो फ्लावर होता है उसे हम ब्लॉसम कहते हैं। डन, नाउ कमिंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। वेयर विल यू पुट आई टू मेक फुल वर्ड्स। अभी हमें यहाँ पे आई लगाना है, पर हम कहाँ पे यूज करेंगे कि पूरा का पूरा वर्ड बन जाए। आई का यूज हम करेंगे, अभी यहाँ पे वर्ड बनाएंगे। चलो, फर्स्ट वन इज आर सी ई, तो यहाँ पे आंसर आएगा राइज, आर आई सी ई। सेकेंड वन राइप। थर्ड वन पिक। फोर्थ वन डाइट। फिफ्थ वन फ्रूट। सिक्स्थ वन अंटिल। सेवेंथ वन रिलेश। एथ वन स्प्रिंग। नाइन्थ वन सर्टेन। एंड टेंथ वन इज प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, टिक द राइट वर्ड टू फिल इन ईच ब्लैंक। अब यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ड को टिक करना है टू फिल इन ईच ब्लैंक। फर्स्ट वन है यू शुड पिक द फ्रूट व्हेन इट इज राइप। फ्रूट जब कंप्लीटली हो चुका हो राइप तभी हमें उसे पिक करना चाहिए। इट गिव्स ग्रेट प्लेजर टू ग्रो फ्रूट ट्रीज। थर्ड वन ही फेल डाउन डैश एंड ब्रोक हिज लेग। ही फेल डाउन द लैडर। लैडर यानी कि सीढ़ियां। एंड ब्रोक हिज लेग। ये वाली एक्सरसाइज भी सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ कम्स ग्रामर इन यूज। ग्रामर इन यूज में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं। राइट द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। अब ये शॉर्ट फॉर्म्स तो आपको आते ही हैं। इज नॉट का इजंट, वॉज नॉट का वॉजंट, आर नॉट आरंट, एंड वेयर नॉट वेरेंट। ओके, ये चैप्टर हमने ऑलरेडी ग्रामर पोर्शन में कंप्लीट कर लिया है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम आर और वॉज वेयर। अभी इज एम आर और वॉज वेयर का यूज कहाँ पे होता है, जब हम प्रेजेंट में बात कर रहे हो तब इज आएगा, और जब हम पास्ट में बात कर रहे हो तब वॉज आएगा, पर जब कोई भी चीज़ सिंगुलर में हो तब इज आएगा। जब एक ही चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हो तब इज आएगा, और जब हम वो उसी चीज़ के बारे में पास्ट में बात कर रहे हो तब वॉज आएगा, मतलब एक ही चीज़ के बारे में। तो इज और वॉज का यूज़ हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और आर यानी कि जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तब हम आर का यूज़ करते हैं, और वेयर का भी यूज़ करते हैं, पर वेयर का यूज़ होगा जब हम पास्ट में बात कर रहे हों। और आई होता है ना, आई, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, आई एम। ये एक रूल है जो आपको याद रखना होगा। सो फर्स्ट वन, दिस टाइम लास्ट ईयर आई
डैश इन इंग्लैंड, मतलब इसी टाइम पर पिछले साल में इंग्लैंड में था। मतलब हमने यहाँ पे पिछले साल के बारे में बात की है, यानी कि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं अकेली मेरे बारे में ही बात कर रही हूँ, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, तो हम यहाँ पे वॉज का यूज करेंगे क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं, जो बीत चुका है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड वन है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल, यानी कि पास्ट जो बीत चुका है। लास्ट ईयर आई वॉज 9, पिछले साल मैं 9 साल की थी। नाउ आई एम 10, अभी नाउ मतलब अभी की बात कर रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट। सो हम यहाँ पे एम का यूज करेंगे। एम का यूज क्यों किया, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम ही आता है, आई एम। ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर में है, यानी कि इज नहीं आएगा, आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, ये एक रूल है जो आपको याद रखना है। थर्ड वन, शी इज हंग्री, गिव हर समथिंग टू ईट। शी सब्जेक्ट है और सिंगुलर फॉर्म में है, तो अभी के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी उसे बहुत भूख लगी है, तो आएगा इज। डोंट बाय दिस शूज, शूज बोला है यहाँ पे, यानी कि सब्जेक्ट जो है हमारा वो प्लूरल फॉर्म में है, दे आर, दे यानी कि शूज, तो दे के साथ क्या यूज होगा, आर, क्योंकि हम अभी की बात कर रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है। दे आर वेरी एक्सपेंसिव। फिफ्थ वन, वेयर वेर यू लास्ट इवनिंग, वेयर वेर यू लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग तुम कहाँ पे थे। अभी यहाँ पे यू का यूज हुआ है, वाई ओ यू यू, एंड यू इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो जब प्लूरल में बात कर रहे हैं और हम बीते हुई शाम के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज द पास्ट, सो हम वेयर का यूज करेंगे। यू वेयर नॉट एट होम, यू भी सब्जेक्ट है हमारा, दैट ऑल्सो इन अ प्लूरल फॉर्म, सो वेयर आएगा। इज दैट क्लियर। ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर लीजिएगा। थर्ड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वॉज वेयर और वॉजेंट एंड वेरेंट। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम नॉट का यूज करते हैं, वो आप ग्रामर में सीख चुके हो। यहाँ पे हमें शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने हैं, वॉजेंट एंड वेरेंट। अभी आपको ये भी पता है, सब्जेक्ट सिंगुलर में हो तो वॉज आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल में हो तो वेयर आएगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वॉजेंट आएगा, और अगर सिंगुलर में, अगर प्लूरल फॉर्म में नेगेटिव है तो वेरेंट आएगा। फर्स्ट वन, मीना डैश प्रेजेंट बट निशा डैश। अब ये सब्जेक्ट में मीना और निशा दोनों सिंगुलर फॉर्म में है, तो मीना प्रेजेंट है, यानी कि मीना यहाँ पे है, सो मीना वॉज प्रेजेंट, बट निशा वॉजेंट, वो यहाँ पे नहीं है। ओके, यहाँ पे हमने वॉज का ही यूज किया है क्योंकि हमारे दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो सिंगुलर फॉर्म में है। इट डैश अ हॉलीडे एंड द शॉप्स डैश क्लोज्ड। इट वॉज अ हॉलीडे, एक ही हॉलीडे था, तो सब्जेक्ट सिंगुलर में हो गया, तो वॉज आएगा। एंड शॉप्स, शॉप्स यानी बहुत सारी दुकान है, दुकानें, तो बहुत सारी दुकानें हुई, तो वेयर का यूज होगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है। द कीज डैश ऑन द टेबल, दे आर नॉट देयर नाउ। कीज है, कीज यानी के बहुत सारी चाबियां, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, तो वेयर का यूज होगा। यू, यू हमारा सब्जेक्ट है, दैट ऑल्सो इन अ प्लूरल फॉर्म, सो यू के साथ वेयर आएगा। पर यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, यू वेरेंट एट होम लास्ट नाइट, कल रात को तुम घर पे नहीं थे। वेर वेर यू, तो तुम कहाँ पे थे। ओके, नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, द रूम डैश वेरी स्मॉल। सब्जेक्ट रूम है, एंड रूम इज अवर सब्जेक्ट इन अ सिंगुलर फॉर्म, सो वॉज आएगा। उसके बाद द रूम वॉज वेरी स्मॉल एंड इट वॉजेंट वेरी क्लीन। रूम बहुत छोटा था पर वो क्लीन नहीं था, तो नेगेटिव सेंटेंस आया, तो आएगा वॉजेंट। ओके, ये एक्सरसाइज भी हम टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीराइट ईच सेंटेंस इन सिंगुलर फॉर्म। अभी हमें सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में बनाना है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक्सरसाइज में जगह दी हुई है, तो सिर्फ टेक्स्ट बुक में सॉल्व करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। आर बॉल्स टॉयस, अभी इसका हम सिंगुलर फॉर्म बनाएंगे, आर है यानी एक से ज्यादा, तो अभी हमें इसका आर का करना है इज, और बॉल्स है तो पीछे का एस हटा देंगे। इज अ बॉल अ टॉय, टॉयज है, टॉयज के पीछे भी एस है, तो एस हटा देंगे और ए लगा देंगे, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन सेंटेंस। ओके, सेकेंड वन, हॉर्सेज आर एनिमल्स, तो अभी यहाँ पे हो जाएगा इज,
क्योंकि आर दिया हुआ है और क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है यहाँ पे हमें. इज अ हॉर्स एन एनिमल, एनिमल्स में से एनिमल. और एन एनिमल क्यों लिखा है, क्योंकि जब हमारा वर्ड वोवेल से स्टार्ट होता है तब हम एन का यूज करते हैं. ये सारे ग्रामर के रूल्स हैं ना, आप लोग याद रखिएगा, ये पूरी लाइफ में काम आएंगे, लाइफ टाइम काम आएंगे. ओके, और हर एक क्लास में मैम रिपीट नहीं करती रहेगी ये सारे जो रूल्स हैं वो, तो आपको याद रखना पड़ेगा आपसे. थर्ड वन, पोस्टमैन वियर कैप. अब यहाँ पे जो पोस्टमैन है तो आप तो ऐसा बोलोगे कि पीछे एस तो नहीं लगा हुआ है, तो ये तो सिंगुलर फॉर्म में हुआ, पर पोस्टमैन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है. सिंगुलर फॉर्म होता है पी ओ एस टी पोस्ट, एम ए एन मैन. जब एम ए एन मैन हो तो वो सिंगुलर हुआ, और जब एम ई एन मैन हुआ तो वो प्लूरल होता है. पोस्टमैन यानी कि यहाँ पे जो एम ई एन मैन है वो प्लूरल फॉर्म में है. पोस्टमैन वियर कैप्स, कैप्स यानी के टोपियाँ. तो पोस्टमैन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है. तो मैंने आपको बोला था ग्रामर में कि हम डू और डस का यूज करते हैं. अभी हमें यहाँ पे सिंगुलर सेंटेंस बनाना है तो हम डस का यूज करेंगे. सबसे पहले डस लिखेंगे, डस, उसके बाद पोस्टमैन. डस पोस्टमैन एम एन मैन वियर अ कैप. ओके, पीछे क्वेश्चन मार्क. सोल्जर्स आर ब्रेव मैन. सोल्जर्स जो होते हैं वो बहुत ही ब्रेव होते हैं. तो इज अ सोल्जर अ ब्रेव मैन. ओके, उसके बाद फिफ्थ वन, आर डॉग्स गुड फ्रेंड्स. डॉग्स जो होते हैं वो गुड फ्रेंड्स हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, इज डॉग अ गुड फ्रेंड, क्या डॉग एक गुड फ्रेंड है. उसके बाद वॉचेज आर स्मॉल क्लॉक्स. वॉचेस जो होती हैं वो बहुत ही छोटी छोटी क्लॉक्स होती हैं. तो वॉचेस काम करेंगे, इज अ वॉच अ स्मॉल क्लॉक. उसके बाद आर रोजेज ब्यूटीफुल फ्लावर्स. इज रोज अ ब्यूटीफुल फ्लावर. क्लासरूम्स हैव ब्लैक बोर्ड्स. डज अ क्लासरूम हैव अ ब्लैक बोर्ड. उसके बाद बिग मैन ईट मोर देन स्मॉल बॉयज. डज अ बिग मैन ईट मोर देन अ स्मॉल बॉय. तो ये वाली जो सारी एक्सरसाइज हैं वो आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करनी रहेंगी, नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके?